अमृतसर में क्राइम ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो किसी को भी जरा सी बात पर मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। इसकी ताजा उदाहरण मिली अमृतसर के इलाका जहाजगढ़ में, जहां कुछ लड़कों ने महज 1500 रुपए के लिए एक रिक्शे वाले की टांग तोड़कर उससे 1500 रुपए छीनकर भाग गए। पत्रकारों से बात करते हुए बलराम ने बताया कि वो एक कंपनी में रिक्शा चलाता है और मर्जी मोहल्ले के एक लड़का डिब्बा और उसके कुछ साथियों ने उससे पैसे छीने और कृपान से उसकी टांग तोड़कर भाग गए। अमृतसर से सुखविंदर कोहली की रिपोर्ट, लाइव भारत। की ना जी अपना बलराम तांते। की गल हुई है, कई गल झगड़ा होया? सर मैं काम पर से आ रहा था तो ठेला लगा के बैठा ये था, उधर से वो कहता है कितने पैसे है, पॉकेट में हाथ डालने लगा, रोकने का कोशिश किया तो वो दो तीन बंदे थे मोटरसाइकिल से, तो मोटरसाइकिल से कृपान खींचा और मेरे को मार दिया। कहाँ पे रहते हो आप? पटागा मार्केट जहाजगढ़। कौन थे वो लोग, कौन थे जिन्होंने तुम पर हमला किया? एक लड़के का नाम जानता हूँ, वो बगल का ही है मर्जी मोहल्ले का, उसका नाम है डब्बा, उसी ने मेरे कृपान मारा है। कितने बजे की बात है जी? ये तो सर अभी मेरे को ये घंटा पे तो हो गया ना, आधा घंटा। कौन से इलाके में हुआ तुम्हारे? ये सर ये दिल्ली पंजाब 47 नंबर है, उसी जगह का गल है। अच्छा, और क्या हथियार क्या थे उनके पास? हथियार सर वो कृपान थे जो मोटरसाइकिल में लेके आया था। अच्छा। हाँ। और कितने आदमी थे वो? आदमी सर तीन थे। और तीनों के हाथ नहीं, एक ही के हाथ में हथियार था। अच्छा, वो क्या था उसके हाथ में? क्या कृपान था सर, तलवार जो दरबार साहब में खोला आम बिकता है। और कहाँ आपके कहाँ पे चोट लगी? ये सर मेरे पाँव में चोट लगा, ये देख लो। क्या वही कृपान मारी आप? जी हाँ सर, आने के साथ ही जब पैसा उसको जब मैं हाथ देने लगा मना किया तो उसने सीधा ही कृपान खींचा मोटरसाइकिल से और मेरे टांग पे मार दिया। अच्छा, और साथ में बाकी वो कृपान अभी आप लेकर भी आए साथ में? हाँ जी सर, मैं वो कृपान फिर जब आवाज़ मारा तो बगल में झुकी है तो झुकी से जब बंदे सब दौड़े तो वो भागने लगा तो वो कृपान आ गया बंदे के हाथ में, तो मैं लेके आया हूँ थाने तक। अच्छा, और क्या मांग करते हो आप? काम तो सर यही ठेली चलाते हैं ट्रांसपोर्ट में, कार्रवाई चलती है उनकी? कार्रवाई हो? कोई कारोबार नहीं चलता है सर, ऐसे लॉकडाउन लगा। कार्रवाई चाहिए? हाँ कार्रवाई तो चाहिए सर, मेरे 6 बच्चे मेरा पैर तोड़ दिया, अब मैं इस हालात में क्या करूँ? हाँ जी सर, पुलिस कंप्लेन कर दिया। और क्या क्या कहते हैं पुलिस वाले, क्या जाएंगे पकड़ने के लिए? अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हमने तो सर रिपोर्ट लिखा दिया। डाट मिल गया आपको? नहीं सर अभी दिया तो नहीं है, कुछ नंबर दे रहा था कि नंबर ले लो ले जाओ। हाँ जी, और क्या है कि जैसे आग लगा के अगला जो कि जलाया उसे तुम लोग को भी जला देंगे। हाँ जी हाँ जी ठीक है। हाँ जी, क्या नाम क्या आपका? कुसुम देवी। क्या कहे? कुसुम देवी। कुसुम देवी कहाँ पे रहती हो? जहाजगढ़। और क्या हुआ, आपके पति हैं जी? हाँ पति है हमारा। क्या नाम है इनका? बलराम तांती। तो क्या हुआ इनके साथ? इसके साथ हुआ कि ये ना बैठे थे काम करके आया तो ये बैठ गया ठेले पे, तो उधर से मुंडे लोग आया तो कहता ताश खेलो जबरदस्ती। इसने कहता मैं नहीं खेलना, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कभी खेला नहीं ताश, तो मैं आज कैसे खेल लूँगा ताश। तो इसके जेब से पैसे ले लिया, जो काम करके आया था वो पैसे इसके पास सारा पैसे छीन लिया और गाली भी देने लगा। तो ये उठ पड़ा, गाली क्यों देता मेरा, जब गलती नहीं तो गाली क्यों देता है। उसने कृपान लिया, 5 मिनट के बाद उसको चला दिया कृपान। अच्छा। तो हमें किसी ने बोला कि तेरा घरवाला को मार रहा है, मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गया, मैं घूम के आ गया इसके पास से। अच्छा। तो मेरे पास 6 बच्चे है, ना कोई काम है ना पैसे, अब मैं किस तरह इसको इलाज करें? कितने आदमी थे वो? तीन। और क्या हथियार क्या थे उनके पास? हथियार था बहुत ज्यादा था, आदमी ईटा पत्थर भी चला रहा था। अच्छा। जब हम लोग आए ना दौड़ के सारे परिवार उसको मारने लगा तो उसने सारे बंदे महल्ले का बुला लिया, ईटा कृपान सारा लेके आया था। अच्छा। हम लोग डर से ना साइट हो गया, शायद मारना दे सबको जान। अब पुलिस कंप्लेंट कर दी आपने? कंप्लेंट तो लिखाया, पकड़ेगा उसको तब ना खर्चा पहुँच देगा तो ना। मांग कर जितना इसको किसने कमाओ खिलाएगा हमारे बच्चों का, मैं किसने देगा रोटी पानी? अब कितना एक तो काम नहीं चल रहा है, किसने इसको देगा इलाज, किसने में बिठाओ खिलाएगा? अच्छे अच्छे बच्चे छोटा छोटा सब बिहार में पढ़ते लिखते हैं, बच्चे मेरे पास नहीं है एक भी।
बच्चे लोग बड़े बड़े से बच्चे लोग पढ़ता लिखता है, वो अभी खाने नहीं मिल रहा बच्चे लोग को, कहाँ से पैसे दूंगा, किसका कमाई दूंगा हम लोग उसको। काम क्या करते हैं जी? ट्रांसपोर्ट में काम करता, ठेला चलाता है। डॉक्टर जी मैं दिता जो रिपोर्ट आऊगी मुताबिक कार्रवाई होनी।